राजधानी रायपुर के जहां कोरोना में नियम का पालन नहीं करने पर अब कार्रवाई होगी, दोपहिया वाहन में एक और चार पहिया में दो सवारी बैठाना होगा और अधिक सवारी बैठाने पर वाहन जब्त किया जाएगा। एसएसपी ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए हैं और सभी चेकिंग पॉइंट से गुजरने वाली गाड़ियों का नंबर भी अब नोट किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना में नियम का पालन नहीं करने पर अब सख्त कार्रवाई होगी। दो पहिया वाहन में एक और चार पहिया वाहन में दो सवारी सिर्फ बिठा सकते हैं, कि अगर ज्यादा बिठाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और एसएसपी ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुप्रिया पांडे लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, और क्या कुछ कहना है एसएसपी का? जी बिल्कुल, राजधानी रायपुर में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 22 जुलाई से 28 जुलाई तक जो लॉकडाउन है वो किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो मनमानी करते करने से बाज नहीं आ रहे थे, जिसे देखते हुए एसपी ने यह निर्देश दिए हैं कि अब जो है दो पहिया वाहन पर केवल एक सवारी देखी जाएगी और साथ ही चार पहिया वाहन पर दो सवारी जो है वो बैठाई जाएगी। सामने जो है वो एक चालक बैठेगा और पीछे कार की अगर हम बात करें तो पीछे जो है वो एक व्यक्ति बैठेगा। इसके अलावा यदि कोई बैठता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और ज्यादा जो है मनमानी करने वालों की गाड़ी भी जब्त की जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो बनाई गई। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा जो है वो 7,000 से पार हो चुका है। अकेले राजधानी में 1900 से अधिक आंकड़े जो है वो कोरोना संक्रमितों के बताए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में ही लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही राजधानी रायपुर का मंगल बाजार और भाटा गांव जो है वो काफी ज्यादा संक्रमित एरिया है। वहां पर कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित किया है। वहां पर सारी दुकानें बंद की गई है और जो लोग कंटेनमेंट जोन से भी बाहर निकल रहे थे उन्हें 200 लोगों को लगभग जो है नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है मतलब जल्द से जल्द अपनी जो मनमानी है वो मनमानी ना करे, अगर कोई मनमानी करता है तो उसकी गिरफ्तारी भी हो रही। तो इस बार का जो लॉकडाउन है वो काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। किराना दुकानें भी बंद की गई है, ब्रेड जो है ब्रेड अंडा दूध इस तरह की जो दुकानें जो है वो खोली गई है और साथ ही 6 से 10 जो है सुबह वो लोग बाहर निकल सकते हैं। उसके अलावा अगर बाहर निकलते हैं तो उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, बैरिगेट्स लगाए गए हैं। अब देख सकते हैं कि बैरिगेट्स लगाए गए हैं और हर आने जाने वाले एक एक व्यक्ति से पुलिस के जवान जो है वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ निकल रहे हैं, बेवजह क्यों जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रोड में जो सड़कों पर जो आवाजाही है जनता की वो काफी कम नजर आ रही है, क्योंकि आज अवकाश का दिन भी, इसलिए जो है आवाजाही कम नजर आ रही है। और यहाँ पर लगातार जवान तो कह सकते हैं कि जो चेक पॉइंट है वहां पर सख्ती देखी जा रही है। पर अब बात करें राजधानी रायपुर की या फिर छत्तीसगढ़ की कर ले, तो लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की कितनी तैयारी देखी जा रही है? लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां भी है वो भी काफी ज्यादा जो है वो है नजर आ रही है, क्योंकि बेड है वो फुल हो गए हैं अस्पतालों में। तो इसके इसे लेकर कि इंदौर स्टेडियम को भी अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया गया है। इसके अलावा एक और आदेश जारी किया गया है कि यदि कोरोना के बिना लक्षण वाले कोरोना के जो मरीज नजर आते हैं वो घर पर ही आइसोलेट हो सकते हैं। उसके लिए ये सुविधा अनिवार्य होगी कि उन्हें एक अलग कमरा मिला और उस अलग कमरे में शौचालय की व्यवस्था हो। तो इस तरीके से अगर मरीज सामने आते हैं तो उन्हें घर पर ही आइसोलेट करने की जो हिदायत है वो दी जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनसे फोन पर बने रहेंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा ये व्यवस्था की जाएगी कि यदि मरीज की हालत गंभीर होती है, जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, उसका शरीर ढीला पड़ता है, तो उसे तत्काल जो है कोविड अस्पताल में एडमिट किया जाएगा, क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अस्पताल जो है वो कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसे लेकर जो आज आपको बताइए भी बता दूं कि राजधानी रायपुर में 10 सिटी बसें जो है वो चालू की गई है, ताकि कोरोना के मरीजों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बीते 2 दिनों से कोरोना के मरीज जो पाए जा रहे थे उन्हें 2-3 दिन के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो इस तरीके से यहाँ पर अव्यवस्था बनी हुई थी, लेकिन आज से 10 सिटी बसों का संचालन शुरू हो गया है। कोरोना के मरीज जो है वो बस के माध्यम से हॉस्पिटल जा सकेंगे और अब निजी अस्पतालों में भी कोरोना की जांच की जा सकती है, हालांकि इसके लिए शासन की अनुमति जो है वो अनिवार्य होगी। जी चलिए शुक्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।